मैं सैमसंग गैलेक्सी S8 के बारे में आपको बताऊंगा क्या मेरे थॉट्स है। एक दो दिन पहले सैमसंग ने ये फ़ोन को लॉन्च किया था, लॉन्च नहीं अनाउंस किया था। ये सेल पे जाएगा 21 अप्रैल से। लेकिन जैसा आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे, जैसे लीक्स बता रहे थे वैसे ही है ये फ़ोन। और डिस्प्ले सामने तो है काफ़ी, जो ग्लासी ग्लास है ये डिस्प्ले पे। लेकिन भाई लोग, अगर आप कोई भी ये फ़ोन ख़रीदेंगे तो फ़ोन ख़रीदने से पहले भैया केस तो ज़रूर ख़रीद लेना, क्योंकि मेरे पास S7 Edge था भाई लास्ट ईयर, और पहले ही दिन गिरा और स्क्रीन क्रैक हो गया। मेरा एक दूसरा दोस्त था भाई, हमारी किस्मत ख़राब चलती है, उसका भी फ़ोन एक बार गिरा और क्रैक हो गया। हाँ, गोरिल्ला ग्लास है भाई इसमें, लेकिन गोरिल्ला ग्लास भी क्रैक होता है। और इसमें जैसा आप देख सकते हैं सामने सिर्फ स्क्रीन ही स्क्रीन है, जो बेजल्स काफ़ी छोटे कर दिए हैं, तो प्रोटेक्शन के हिसाब से थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। तो केस ले लीजिए अगर आप ये फ़ोन लेते हैं। और सैमसंग एक नया चीज़ बात कर रहा था ये फ़ोन में, बिक्सबी बोल के एक असिस्टेंट है, जो गूगल असिस्टेंट रहता है, वर्चुअल असिस्टेंट उसके जैसा। और सैमसंग भाई काफ़ी कॉन्फिडेंट है इसके बारे में, क्योंकि ये बिक्सबी को लॉन्च करने के लिए उन्होंने एक डेडिकेटेड बटन भी दे दिया। सो देखते हैं ये कितना अच्छा चलता है जब ये फ़ोन आएगा। और यार, अवेलेबिलिटी के बारे में अभी सैमसंग इंडिया ने कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन ग्लोबल जो इनका अनाउंसमेंट सैमसंग ने किया वो है 21 अप्रैल। देखते हैं इंडिया में कब आएगा, वो डेट के आसपास आ जाना चाहिए। जब मुझे कॉन्क्रीट इन्फो सैमसंग इंडिया से मिलेगी भाई लोग, मैं ऐड कर दूंगा ये शो नोट्स में। पर अभी जो प्राइसिंग भी है उसके बारे में बात करूंगा। सैमसंग इंडिया ने ऑफिशियल प्राइसिंग नहीं दी, लेकिन हमें इंटरनेशनल प्राइसिंग इसके जो है S8 की मालूम है। और अगेन, ये दो मॉडल्स में आ रहा है अब, S8 और S8 Plus। जो S8 है उसका स्क्रीन साइज रहेगा 5.8 inches, और जो S8 Plus है उसका स्क्रीन साइज रहेगा 6.2 inches। और दोनों ये स्लाइटली कर्व्ड एजेस के साथ आ रहे हैं, सो ये हमें मिलेगा, बड़े फ़ोन्स हैं। और सैमसंग ये बोल रहा था कि ये जो फ़ोन्स हैं इनके डिस्प्ले जो है, इसे अब ये मार्केटिंग टर्म जो ये कह रहे हैं इन्फिनिटी डिस्प्ले। और सैमसंग कह रहे थे अपने प्रेस लॉन्च में कि ये मोबाइल HDR प्रीमियम पैनल से, सो क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी रहेगी भाई। लेकिन एक चीज़ जो है बैटरी के हिसाब में, जैसा आप देख सकते हैं ये स्लाइड, जो गैलेक्सी S8 रेगुलर मॉडल है उसमें सिर्फ 3000 mAh की बैटरी दी गई है। और स्क्रीन साइज़ यार 5.8 inches है, और जो बड़ा वाला है 6.2 inches का, उसमें बैटरी जो है 3500 mAh की है। सो बैटरी लाइफ के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास गैलेक्सी S7 था जो 5.2 inches का है, और उसकी बैटरी भी 3000 है। लेकिन यार 5.2 inches में भी एंड ऑफ द डे कभी कभार जब ज़्यादा यूज़ करते हो तो बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी। तो ये S8 की तो और बड़ा स्क्रीन हो गया। हाँ, प्रोसेसर जो है इसमें नए हैं, ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेसर्स हैं, 10 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे। वैसे तो सैमसंग दो वेरिएंट्स लॉन्च करेगा, एक जो रहेगा स्नैपड्रैगन 835 और जो दूसरा रहेगा वो है एक्सीनोस 8895। दोनों ऑक्टोकोर प्रोसेसर हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, ये जो स्नैपड्रैगन 835 है वो US और थोड़े यूरोपियन रीजन्स में मिलेगा, और दूसरे रीजन्स में हमें एक्सीनोस मिलेगा। और यहाँ ये प्रोसेसर ज़्यादा एफिशिएंट है और GPU की परफॉर्मेंस भी थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन यार बैटरी के लाइफ में बात करूँगा। और इस एक और एक जो चीज़ मैंने नोटिस की और थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि दोस्तों ये जो सैमसंग के जनरल फ़ोन्स रहते थे S सीरीज़, हमेशा न्यू वर्जन जब भी ये लॉन्च करते थे इसका कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव हो जाता था। लेकिन अभी ये गैलेक्सी S8 और S8 प्लस के साथ जो रेयर फेसिंग कैमरा का सेंसर है, ये सेम है जो गैलेक्सी S7 में हमें मिला था, जो था 12 MP डुअल पिक्सल ऑटो फोकसिंग के साथ। सो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहेगी, कैमरा परफॉर्मेंस अगर आपके पास S7 है, तो नहीं भाई, नहीं होगी, सेम सेंसर है। हाँ, थोड़े सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट सैमसंग ने किए हैं, बट मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि यार अभी कैमरा के परफॉर्मेंस में काफ़ी कंपटीशन आ गया, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सैमसंग कुछ एकदम गजब का कुछ करेगा यार नया, बट कुछ ज़्यादा नहीं किया। और कंपटीशन हीट अप कर रहा आईफोन जो 7 Plus, उसमें ऑलरेडी डुअल कैमरा है, पिक्सल का भी जो कैमरा है काफ़ी अच्छा है। सो रेयर फेसिंग कैमरा सेम है, लेकिन फ्रंट फेसिंग कैमरा थोड़ा इम्प्रूव किया गया है। जो पुराने S7 में था 5 MP का था, अब ये S8 में 8 MP का है, और वाइड जो है उसका एंगल है। सो अगर आप 2-3 लोग सेल्फी लेते हैं आराम से तो फिट हो जाएंगे उसमें। और ऑटो उसका जो ऑटो फोकसिंग भी जो है फ्रंट फेसिंग कैमरा का, सैमसंग बोल रहे थे कि इम्प्रूव किया गया है।
और अब मैं बात करता हूँ दूसरे चीज़ें जो इनको अनलॉक करने के लिए, जैसे आप देख सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है ये फ़ोन में। पुराने सैमसंग के कोई भी फ़ोन आप ले लो, नीचे बॉटम में फिजिकल होम बटन रहता था, लेकिन ये S8 और S8 प्लस में फिजिकल बटन्स निकाल दिए गए हैं, और एक्चुअली कोई फिजिकल बटन आपको जो है स्क्रीन पे के पास नहीं देखा, नीचे जो है आपको वर्चुअल बटन्स दिखेंगे। लेकिन सैमसंग कह रहे थे जो लोअर पार्ट ऑफ द डिस्प्ले है जहाँ ये वर्चुअल बटन्स रहेंगे, आप अगर उसको दबाएंगे तो आपको थोड़ा फीडबैक मिलेगा। ये तो जब फ़ोन आएगा जब ही टेस्ट करके मैं बता सकता हूँ कैसा फीडबैक रहेगा। मेरे हिसाब से समथिंग लाइक फोर्स टच के हिसाब से फीडबैक रहेगा जो हम आईफोन 7 में देख रहे थे, लेकिन देखते हैं कितना अच्छा चलता है। और अगर आप पीछे देखते हैं जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो पीछे मूव करा गया है, और यार कैमरा के बाजू लगाया गया है, सो एक्सीडेंटली यार लोकेशन उतना अच्छा नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से जो सैमसंग बोल रहे थे उनके प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग, जैसा आप स्क्रीन पे ये देख सकते हैं, अभी जो अनलॉक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस दिए गए हैं, और इसमें आयरिस स्कैनर दिया गया है जो एक्चुअली नोट 7 के साथ भी था और चलता है भाई लोग, मैंने टेस्ट किया था। और अपार्ट फ्रॉम जो आयरिस स्कैनर है इसमें फेशियल रिकग्निशन भी दिया गया, और सैमसंग बोल रहे थे कि इसका कॉम्बिनेशन जो है वो काफ़ी फास्ट है, और अगर जैसा सैमसंग कह रहा था कि यह चलेगा तो उसके हिसाब से फिंगरप्रिंट स्कैनर जो पीछे दिया गया वो ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। बट अगेन यार जब फ़ोन आएगा मिलेगा टेस्ट करूँगा और बताऊँगा कितना अच्छा चलता है, और या ये एक मार्केटिंग गिमिक है। सो देखते हैं कितना अच्छा वो चलेगा। और एक और एक चीज़, अगेन ये IP68 सर्टिफाइड है, सो इसका मतलब ये वाटर रेसिस्टेंट और डस्ट रेसिस्टेंट है, सो वो अच्छी बात है। लेकिन यार रैम के बारे में, दोनों मॉडल में सिर्फ अब हमें 4GB रैम मिलेगा। काफ़ी रूमर्स थे यार कि 6GB रैम आएगा, क्योंकि सैमसंग का जो एक लास्ट महीने मैंने रिव्यू किया था C9 Pro, जो ये फ़ोन से जो मिड रेंज फ़ोन है उसमें 6GB रैम सैमसंग ने दी थी, बट ये गैलेक्सी S8 और S8 प्लस में सिर्फ 4GB रैम हमें मिलेगा। और मेरे हिसाब से यार ये कॉस्ट कटिंग मेजर नहीं है, क्योंकि ये प्रीमियम फ़ोन से प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि मेरे हिसाब से सैमसंग ने सिर्फ 4GB रैम क्यों डाली, क्योंकि जो बैटरी लाइफ जैसे मैं बोल रहा था काफ़ी छोटी है ये फ़ोन की स्क्रीन के हिसाब से, और जब आप फ़ोन में ज़्यादा रैम देते हैं वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, क्योंकि रैम जो है हमेशा पावर्ड ऑन रहना पड़ता है। सो 6GB रैम अगर देते थे तो ज़्यादा थोड़ा पावर ड्रेन होता था, इसलिए मेरे हिसाब से सिर्फ 4GB रैम पे सैमसंग ने स्टिक किया है। क्योंकि यार हमें पता है नोट 7 के साथ क्या हुआ था, वो बैटरी के वजह से एक्सप्लोड वगैरह वगैरह, तो आई थिंक सो सैमसंग काफ़ी स्केर्ड है, इसलिए सैमसंग ने ज़्यादा बड़ी बैटरी पैकअप नहीं करी। बट देखते हैं कि प्रैक्टिकल डेली यूज़ में क्या सुबह से लेकर शाम तक ये फ़ोन्स चलते हैं बिना टॉप अप करे, सो वो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। और जहाँ तक मैंने एस गैलेक्सी S7 यूज़ किया है यार, उसको भी ना अगर आपका हैवी डे है सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हो तो शाम में थोड़ा टॉपअप देना पड़ता है, सो इसमें तो और भी ज़्यादा बड़े स्क्रीन्स है, सो मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ। लेट्स सी जब फ़ोन आता है टेस्ट करते हैं। और अब हम ये बिक्सबी के बारे में बात करेंगे, ये एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो सैमसंग काफ़ी बात कर रहे थे उसके बारे में, गूगल असिस्टेंट के जैसा, लेकिन ये सैमसंग का खुद का बना हुआ है, और सैमसंग कह रहे थे कि ये कॉन्टेक्स्टुअल है, उसका मतलब स्क्रीन पे जो है ये बिक्सबी को पता है, इसलिए ये ज़्यादा इंटेलिजेंट रहेगा। अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ इसके बारे में, जब आएगा टेस्ट करेंगे, क्योंकि यार सैमसंग के पुराने जो ये वर्चुअल असिस्टेंट्स थे जैसे S-Voice, वो आप जानते हो यार कितना अच्छा था। बट लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस रखते हैं, देखते हैं ये बिक्सबी कितना अच्छा चलेगा। ये थे जो था, ये था इन्फॉर्मेशन गैलेक्सी S8 और S8 प्लस के बारे में। दोस्तों आपके बारे में आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हाँ, प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे। प्राइसिंग जो है यार इंडिया की अभी तक अनाउंस नहीं की गई, एग्जैक्ट प्राइसिंग के बारे में कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन US और UK की प्राइसिंग अनाउंस की कर चुकी है। और जनरली इंडिया में यार मैंने नोटिस किया था, जनरली जो यूरो प्राइसिंग रहती है उसके हिसाब से इंडियन प्राइसिंग भी रहती है, और सैड यार बुरी बात दिल दुखा दूंगा आप लोगों का, लेकिन जो यूरो प्राइसिंग है काफ़ी ज़्यादा है ये फ़ोन की। जो बेस वेरिएंट है करीबन आप उसको कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीस में तो अराउंड 56,000
और 57,000 के आसपास आ रहा है और बड़ा वाला ऑलमोस्ट 8,000 या 9,000 ज़्यादा। सो देखते हैं सैमसंग इंडिया क्या एग्रेसिव रहता है ये फ़ोन की प्राइसिंग के साथ, या यार प्राइसिंग काफ़ी प्रीमियम रहती है या नहीं, देखना चाहिए। और अब मैं इसको समराइज़ करूँगा। जो बिगेस्ट वरीज हैं मेरे हिसाब से S8 और S8 प्लस की, वो फर्स्ट मेरे हिसाब से बैटरी लाइफ रहेगी, कितनी रहेगी ये रियल वर्ल्ड यूजेज में टेस्ट करके ही बताऊँगा। और ये जो फिंगरप्रिंट का स्कैनर जो पीछे दिया गया है यार, काफ़ी ऑकवर्ड पोजीशन पे, कैमरा से काफ़ी नज़दीक है, सो बड़ा ही घटिया पोजीशन दिया गया है यार। लेकिन होप कर रहा हूँ जो आयरिस स्कैनर है और फेस रिकग्निशन है वो काफ़ी अच्छा चले, ताकि आपको बार बार ये फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। और कैमरा के हिसाब में थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, रियर फेसिंग कैमरा जैसा मैंने कहा था सेम सेंसर यूज़ कर रहा है जो गैलेक्सी S7 के साथ यूज़ किया था। सो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा S7 और S7H के कंपैरिजन से, सो वो नहीं लगता वो होगा। और जो अच्छी चीज़ें मुझे लगी ये फ़ोन के बारे में यार, ये तो बोलना पड़ेगा, वन ऑफ द मोस्ट सेक्सी लुकिंग स्मार्टफोन है देखने के उसमें हिसाब से, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ब्लैक कलर में काफ़ी वो स्टेल्थ कलर लग रहा है, तो देखने के हिसाब में तो काफ़ी अच्छा लगेगा, लेकिन यार केस लगाना पड़ेगा क्योंकि ग्लास 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 है फ्रंट में, गिरेगा तो जाएगा, गोरिल्ला ग्लास भी भाई फूटता है। और ये आयरस स्कैनर और फेस रिकग्निशन भी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कितना अच्छा चलेगा, क्योंकि अगर अच्छा चलता है तो वो जो फिंगरप्रिंट स्कैनर पीछे है हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ेगा। और वो बिक्सबी जो सैमसंग काफ़ी बात कर रहे थे उनका वर्चुअल असिस्टेंट, देखते हैं यार कितना अच्छा चलता है रियल लाइफ में। और फाइनली यार वो जो सामने जो होम बटन्स थे अब चले गए हैं, वर्चुअल होम बटन्स हैं, लेकिन जो हैप्टिक फीडबैक सैमसंग कह रहे थे जब भी वो वर्चुअल बटन्स पर भी आप क्लिक करोगे उसको भी देखते हैं कितना अच्छा चलता है, क्या प्रॉपर फीडबैक देता है जब आप वो दबाते हो। और इंडिया में हमें डुअल सिम वेरिएंट मिलेगा जो हाइब्रिड के साथ रहेगा, सो आप दो सिम के साथ यूज़ कर सकते हैं या एक सिम और माइक्रो SD के साथ। सो दोस्तों यह था इन्फॉर्मेशन गैलेक्सी S8 और S8 प्लस के बारे में। अगेन इंडिया प्राइसिंग अभी तक अनाउंस नहीं हुई, जब होएगी जो यूट्यूब शो नोट्स है उसमें मैं ऐड कर दूंगा। और अब एक क्वेश्चन आ रहा है यार मेरे दिमाग में, अगर आपके पास ऑलरेडी गैलेक्सी S7 या S7 Edge है, क्या आप ये गैलेक्सी S8 या S8 प्लस को अपग्रेड करोगे? बताओ YouTube जो कमेंट सेक्शन में, उसमें बताओ कि अगर आप अपग्रेड करोगे तो क्यों अपग्रेड करोगे। यार मैं तो टेक रिव्यूअर हूँ तो मेरे को ख़रीदना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों में से मैं शायद गैलेक्सी S8 के को लूँगा, क्योंकि यार S8 प्लस 6.2 इंचेस काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। और यार अभी तो प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ कब मिलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल लॉन्च 21 अप्रैल है। ट्राई करूंगा इंटरनेशनल लॉन्च के टाइम पे अगर मैं उसे ला सकता हूँ, नहीं तो अगर जब इंडिया लॉन्च होएगा जब तो ज़रूर लूँगा, और इसका इनडेप्थ रिव्यू टेस्टिंग के बाद आपको बताऊँगा। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, और अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यार मेरा ये नया हिंदी का चैनल है तो सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, अलविदा, फिर मिलेंगे।